हेलो फ्रेंड, मेरे व्यूअर और मेरे सब्सक्राइबर, आप सभी का मेरे इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो ट्यूटोरियल वो है जिसका आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इस ट्यूटोरियल में आपको डी वाला वीडियो सॉन्ग जो मैंने काइन मास्टर पे एडिट किया है, वो मैंने कैसे किया है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपसे गुजारिश ये है कि आप इस वीडियो को अपना लाइक दें, और आपको मेरे बनाई हुई वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ उस वीडियो पे आप अपना कमेंट दें, ताकि मुझे पता चले कि मेरी बनाई हुई वीडियो आपको पसंद आ रही हैं और मैं इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो जो है आपके लिए पेश करता रहूं, और इस तरह का इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल जो है आपको आपके लिए बनाता रहूं। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का ये ट्यूटोरियल। दोस्तों, सबसे पहले मैंने जो जम का जो दो वीडियो शूट किया हुआ था, उसको काइन मास्टर में जो है क्रूप कट करके उसको एक जगह सेट कर दिया हूँ, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और इसको जो है काइन मास्टर में मैंने कुछ ग्रीन स्क्रीन में कन्वर्ट कर दिया है, तो वो वीडियो जो है कुछ इस तरह से बना है। इसको आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह से मैंने एडिट कर दिया है ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो नेक्स्ट में एम्प्टी प्रोजेक्ट पे क्लिक करके हम जो है ये वीडियो जो फाइल है मैंने इंपोर्ट किया है। तो दोस्तों, मेरे मोबाइल में जो प्रॉब्लम हो रहा है वो ये कि वीडियो के ऊपर जब मैं कोई वीडियो लेयर लगाता हूँ तो वो इस तरह से ब्लैंक नज़र आता है। मतलब जब मैं स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करता हूँ ना, तो तब ये दिखाई नहीं देता है, और बगैर स्क्रीन रिकॉर्डर का ये एडिट हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने उसका जो बैकग्राउंड है उसका इमेज लिया है, और इसके ऊपर जो है मैं आपको वीडियो लेयर लगा के एडिट करके दिखाने वाला हूँ। तो इसके बाद दोस्तों, मैं लेयर पे क्लिक करता हूँ, और उसके बाद मैं मीडिया ब्राउज़र में जाके जो ग्रीन स्क्रीन का एडिट किया हुआ वीडियो है उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद जो है इस पे क्लिक करके क्रोमा की को इनेबल कर देता हूँ, और क्रोमा की का जो है सेटिंग उसको ठीक से सेट कर देता हूँ। तो दोस्तों, मेरा क्रोमा की का सेटिंग हो गया है। इसके बाद मैं इमेज में क्लिक करके इमेज को एग्जैक्ट सही पोजीशन में जो है मैं सेट करता हूँ। तो दोस्तों, इसमें ध्यान दीजिएगा, मैं जो है अपना वीडियो का एंड जो आखिरी है जहाँ जंप का सीन है, वहाँ से जो है इमेज को सेट कर रहा हूँ, ताकि मुझे जो है वीडियो जब आखिरी होगा तो मुझे एग्जैक्ट कहाँ से जंप करना है वो पोजीशन सेटिंग में हो जाएगा। तो वीडियो थोड़ा टेढ़ा भी है, इसलिए थोड़ा सा इसको रोटेशन दे के इसको सही से सेट कर देता हूँ। तो आप भी अपना वीडियो को सही तरीके से सेट करें, ताकि देखने में अच्छा लगे और थोड़ा नेचुरल सा लगे। अब दोस्तों, मैं वीडियो के एंड तक अपना जो है इसमें लेके यहाँ से जो फ़ोटो का इमेज है उसको मैं सीजर से सेपरेट कर देने वाला हूँ, और इसके बाद थोड़ा सा इसको जो है इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा छोटा कर लेते हैं अपने ज़रूरत के मुताबिक। इसके बाद दोस्तों, जहाँ से हमारा जंप का जो ग्रीन स्क्रीन लेयर है ख़त्म हुआ है, उस पोजीशन में टाइमलाइन सेट करने के बाद में हम लेयर पे क्लिक करेंगे, और मीडिया में जाके जो हमने इमेज इरेजर एप्लीकेशन में जो हमने बैकग्राउंड इरेज किया हुआ था, उस इमेज को इम्पोर्ट कर लेते हैं। और उस इमेज को जो अपना वीडियो का जो लास्ट जंप इफेक्ट जो जहां एंड है उसके ऊपर जो है हम इस तरह से सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसको अपना फ्री टाइम अच्छा टाइम देते हुए सही से इसका पोजीशन सेट करते हुए इसको इसके एक इमेज के ऊपर इमेज आप इस तरह से सेट कर लीजिए। जब इमेज पूरी तरह से सेट हो जाए, उसके बाद में आप अपना जो इमेज का जो लेयर है उसको ठीक वीडियो के जो लेयर है उसके एंड में सही जगह से एंड कर दें, जैसा कि वीडियो ख़त्म होते ही इमेज का लेयर चालू हो जाए, इस तरह से सेट कर दें। दोस्तों, ये सेटिंग होने के बाद आप एक बार देख लें, तो इस तरह से अपना जो है सेटिंग हो गया है। इसके बाद में हम जो है थोड़ा सा इमेज का थोड़ा लेंथ बढ़ा देते हैं, और जो इमेज लेयर है उसको ऊपर के इमेज के लेवल में उसको साइज से सेट कर देते हैं कट करके।
दोस्तों ये हमारा सेटिंग हो गया है पूरा। अब यहाँ इमेज के लेयर में क्लिक करते एनिमेशन में क्लिक कर देंगे दोस्तों। इसके बाद में जो है हम इमेज का जो लेयर है उस पर थोड़ा सा आगे करते हुए अपने इमेज को थोड़ा इस तरह से सेट करेंगे। तो आप वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए किस तरह से मैं सेट कर रहा हूँ। तो यहाँ से जो है हमारा पहला डॉट हमने दे दिया है, तो यहाँ आपको इफ़ेक्ट इस तरह से आएगा। उसके बाद में इमेज के लेयर को पूरे लास्ट तक ले जाएं, लास्ट से थोड़ा सा आगे उसका टाइमलाइन में सेट करें इस तरह से। और यहाँ से जो है इमेज को हम थोड़ा सा रोटेशन देते हुए अब ओके हो गया। तो दोस्तों हमारा जो पहला जम का जो वीडियो है वो इस तरह से हो गया। ये थोड़ा सा और लग रहा है, तो इसको थोड़ा अच्छा से सेट करते हैं। तो जो पहला डॉट है उसको वो माइनस कर देता हूँ और एक बार प्ले करके देखते हैं। इसका जो टाइमिंग स्लो है तो इसको थोड़ा सा इसका टाइमिंग जो है कम करके देखते हैं। दोस्तों एडिटिंग के लिए आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि आप जितना बारीकी से काम करेंगे आपका वीडियो उतना बेहतर होगा। तो आप आराम से अपना टाइम लेते हुए अपने वीडियो को परफेक्ट तरीके से एडिट करने की कोशिश करें। तो मेरा ये वीडियो लगता है हो गया। इसको और भी फिनिशिंग से मैं कर सकता हूँ, मगर क्योंकि ट्यूटोरियल बना रहा हूँ कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश है मेरी, तो ठीक है इसमें थोड़ा बहुत एडजस्ट करके देख लेते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है मेरा जंप इफेक्ट कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद में मैं इमेज पे क्लिक करके क्रॉप ऑप्शन में जाके थोड़ा सा अपना जो बैकग्राउंड इमेज है उसको थोड़ा सा एक मूविंग इफेक्ट जो है दे देता हूँ। तो इस तरह से मैं अलग अलग इमेज के लाइन को सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा जो है मूविंग इफेक्ट जो दिखे कि जंप के साथ थोड़ा आपका मेरा जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा मूव करता हुआ नज़र आए, तो उस तरह से मैं सेट कर दे रहा हूँ। तो वीडियो जो मैं लगाया हूँ उसमें मूविंग इफेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो वीडियो ही मूव इफेक्ट के साथ है। तो दोस्तों इसको अब मैं सेव गैलरी में करके सेव कर लेता हूँ और सेव ये वीडियो मेरा सेव हो गया है। तो एक बार प्ले करके देख लेते हैं कि अपना वीडियो कैसा बना है। तो दोस्तों पहला जंप इफेक्ट का वीडियो जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में दूसरे इफेक्ट की ओर जाते हैं। एम्प्टी प्रोजेक्ट जो है सिलेक्ट करके मीडिया ब्राउज़र से वाटरफॉल वीडियो इफेक्ट जो है वो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये ओरिजिनल वीडियो का वाटरफॉल इफेक्ट है जिसे मैंने एडिट करके रखा हुआ है। इसमें आपको प्रभास कहीं से नज़र नहीं आ रहा होगा। तो यहाँ से जो है लेयर में जाके हम अपना जो क्रॉप जंप इफेक्ट है जिसको मैंने इरेजर से जो है बैकग्राउंड इरेज किया हुआ था उस इमेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको स्ट्रेच कर देते हैं ताकि आसानी हो एडिटिंग करने में और आपको बता सकूं। तो दोस्तों हम अभी इसको स्क्रॉल करके जहां तमन्ना का सीन एंट्री है उससे जस्ट पहले जो है वहाँ सेट कर वहाँ उस पोजिशन में टाइम लाइन को ले जाते हैं और इमेज को वहाँ से आगे का पर्सन जो है उसको कट कर देते हैं। नेक्स्ट पूरे स्टार्टिंग में आके थोड़ा इमेज को हम थोड़ा रोटेशन दे के उसका साइज़ जो है परफेक्ट कर लेते हैं जो कि सही लगे उस हिसाब से। और इमेज को जो है हम क्योंकि पहला जंप जो है आधा हो चुका था तो इसको थोड़ा सा आधा पोजीशन से मतलब आधा जंप हो चुका है उसके बाद से जो हमारा जंप इफेक्ट देना है वहाँ से वहाँ सेट कर देता हूँ। तो आप भी इस तरह सेट कर दें। उसके बाद एनिमेशन में जाके जो हमारा इमेज लेयर है उसके लास्ट पॉइंट से जस्ट थोड़ा सा आप जो है आगे रखने की कोशिश किया इस तरह से। और यहाँ से इमेज को हमको जितना दूर डिस्टेंस और जितना डाउन कराना है तो उस हिसाब से सेट कर दें और थोड़ा सा डाउन क्योंकि जंप करने के में पोजीशन थोड़ा चेंज होता है। तो इस तरह से इफेक्ट रख लें।
यह हमारा वीडियो इफेक्ट लगभग हो चुका है। इसके बाद मैं शेयर के बटन पर क्लिक करते हुए हम इस वीडियो को जो है शेयर कर लेता हूँ। तो दोस्तों मेरा वीडियो जो है शेयर हो गया, प्ले करके एक बार देख लेते हैं। तो दूसरा वीडियो एडिटिंग अपना कंप्लीट हो गया है। दूसरा एम्प्टी लेयर जो है हम क्लिक करके मीडिया ब्राउज़र में जाके यहाँ से जो है एक इमेज जो है इंपोर्ट करना है, और इमेज जो है वो इस तरह का इमेज है। ये भी ओरिजिनल वीडियो का ही इमेज है जिसको मैंने एडिट पहले से किया हुआ है। और इसके बाद में यहाँ से हम जो है लेयर में जाके मीडिया ब्राउज़र से एक और इरेजर एप्लीकेशन में से जो मैंने एक जम का फुटेज है, जो पिक्चर है उसको इरेज किया हुआ, उसका बैकग्राउंड इरेज किया हुआ है। तो ये है वो इमेज, इसको मैं जो है इंपोर्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद में इस इमेज में क्लिक करके इसको हम इस तरह सेट कर लेते हैं। और यहाँ से एनिमेशन में क्लिक करके इमेज का लेयर का जो लास्ट पॉइंट है उससे जस्ट थोड़ा, हमेशा याद रखिए दोस्तों पूरा लास्ट नहीं चाहिए, थोड़ा सा छोड़ करके हमको इसमें जितना दूर डिस्टेंस और हाइट को सेट करना है, क्योंकि इमेज जो है पीछे से आगे की तरफ जा रहा है, तो आगे जब जाएगा तो इमेज का साइज़ भी छोटा होना चाहिए। तो थोड़ा छोटा करके जैसे कि वो दूर जा रहा है उस तरह का इफ़ेक्ट नज़र आए आप सेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा स्लो हो रहा है, इसको छोटा करके थोड़ा सा इसका टाइमलाइन कम कर देते हैं ताकि थोड़ा सा स्पीड लगे। तो दोस्तों हमारा ये इमेज भी जो है कंप्लीट हो चुका है। इसको मैं सेव टू गैलरी में करके सेव कर लेता हूँ। दोस्तों हमारा वीडियो जो है वो कंप्लीट हो चुका है, प्ले करके एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जंप का इफ़ेक्ट भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों मैंने एम्प्टी लेयर पर क्लिक करते हुए अपना जो तीनों वीडियो जो मैंने एक्सपोर्ट कर लिया है उसको सीरियली जो है मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। हमारा तीनों वीडियो जो है इस टाइमलाइन पे आ चुका है, एक बार क्लिक करके देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा जो है वीडियो इफ़ेक्ट इस तरह से। तो दोस्तों हमारा जो वीडियो है वो इतना तक का हो चुका है। दोस्तों आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इससे आगे का जो एडिटिंग है वो किस तरह करना है। टाइम की मेरी बहुत प्रॉब्लम है, तो टाइम निकालते हुए आपको जो है ये ट्यूटोरियल दे रहा हूँ। उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप इसको लाइक दीजिए और साथ ही साथ अपना कमेंट दीजिएगा। और आप अगर नए व्यूअर है, अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की या इससे भी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो जो है मैं आपको अपलोड करके दूँगा, और बहुत बेहतरीन अच्छा सा अच्छा ट्यूटोरियल देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।